फर्स्ट इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाते हैं एग्जाम्पल है चिकन पॉक्स मीजल स्मॉल पॉक्स राइट देन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ड्रॉपलेक्ट इन्फेक्शन होता है थ्रू स्नीजिंग ठीक है छींकने से खांसने से और स्पिटिंग करने से थूकने से ट्रांसमिशन हो जाता है एग्जाम्पल हो गया कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा ट्यूबेक्लोसिस निमोनिया डिप्थीरिया ये जो डिजीज है ये ड्रॉपलेक्ट इन्फेक्शन से होंगे थ्रू द स्नीजिंग कॉफिंग एंड स्पिटिंग देन कॉन्टेक्ट विद सॉइल अगर आप सॉइल के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो सॉइल के अंदर भी माइक्रोर्गैनिज्म होते हैं पैथोजेनिक इक्रोगेनिज्म होते हैं तो अगर आप सॉलिड कॉन्टेक्ट में आएंगे तो यू मे गेट देन एनिमल एंड बाइट एनिमल और इनसेक् बाइट की वजह से भी ये ट्रांसमिशन होता है एज एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है रेबीज एंड मलेरिया ठीक है जो है वो डॉग बाइट से होता है और मलेरिया जो है मॉस्किटोज से होता है राइट देन थ्रू प्लेसेंटा एज एन जर्मन मिसोज एन प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्रसंटा किसमें होता है वो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना उनकी उनके अंदर प्रसेंटा इज देयर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू बेबी में न्यूट्रिशन का ट्रांसफर होता है ठीक है न्यूट्रिशन का ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा सब चीजें होती हैं तो इसके थ्रू ये जर्मन मिसल्स और सिफल ऐसी जो एक आपको डिजीज दिख रहे हैं ये भी इसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं या हो जाते हैं तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे फिगर को देखिए यहां पे किस तरह से लिया हुआ है एक अगर हम देखते हैं तो डायरेक्ट एयर एयरबोन ठीक है एयर एयरबोन ट्रांसमिशन हो रहा है देन बी देखेंगे यहां पर कैरेट इन एयर विद ड्रॉपलेट्स देन सी एयर एयरबोन वाया हैंड्स हैंड्स के थ्रू हैंड के कॉन्टेक्ट में आने से फिर कुछ बेसिली और वायरसेस जो है वो आप देखेंगे ड्राई फॉर्म में यहां पर विथ स्टैंड कर रहे हैं देन ई पार्ट में देखेंगे कैरेट विद इन एयर विथ डस्ट तो डस्ट उड़ रही है उसके साथ में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उड़ रहे हैं और ये क्योंकि ये यहाँ पे दोनों एकदम पास में खड़े हैं ठीक है तो ये डस्ट के साथ में इसको भी इंफेक्शन हो सकता है और इसको भी हो सकता है तो लाइक वाइज इसी तरह से जितने भी आपको सिचुएशन दिए हुए हैं थ्रू दी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ठीक है डायरेक्ट एयरबोर्न हो सकता है और कैरेट विद ड्रॉपलेट्स uh, के साथ हो सकता है वाया हैंड्स हैंड के कॉन्टेक्ट से हो सकता है और इन इन एयर विद भी हो सकता है फर्स्ट इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाता है एग्जाम्पल है चिकन पॉक्स मीजल स्मॉल पॉक्स राइट देन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ड्रॉपलेक्ट इन्फेक्शन होता है थ्रू स्नीजिंग ठीक है छींकने से खांसने से और स्पिटिंग करने से थूकने से ट्रांसमिशन हो जाता है एग्जाम्पल हो गया कॉमन कोल्ड इन्फ्लुंजा ट्यूबेक्लोसिस निमोनिया डिप्थीरिया ये जो डिजीज है ये ड्रॉपलेक्ट इन्फेक्शन से होंगे थ्रू स्नीजिंग कॉफिंग एंड स्पिटिंग देन कॉन्टेक्ट विद सॉइल अगर आप सॉइल के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो सॉइल के अंदर भी होते हैं पैथोजेनिक

और ये यूट्रस में डेवलप होता है और उसका काम ये होता है कि जो बेबी ग्रो कर रहा है उसको ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिय प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट बेबी के ब्लड में डेवलप हो रहे होते हैं प्रोड्यूस हो रहे थे उसको रिमूव करता है तो इसी प्रोसेस के थ्रू जो एक्सचेंज हो रहा है इसी के प्रोसेस के थ्रू ये जो डिजीज यहाँ पे लिखे हुए हैं सिफलस और जर्मन मीजल्स ये भी ट्रांसमिट हो जाते हैं देन तो यहाँ पे हम पिक्चर में देखेंगे यहाँ पे ये दो पर्सनस हैं जो जो कि आप देख सकते हैं कि जब ये विल टॉक अगर में से किसी एक को इन्फेक्शन है और ये बात करेंगे तो इनके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है देन हैंड आप देख सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है तो हैंड के शेक करने से हो सकता है राइट देन स्नीजिंग कॉफिंग इनहेलिंग ये सारे प्रोसेस से हो सकता है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फिगर ए क्या शो कर रहा है यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ठीक है फिगर ए आपको डायरेक्ट एयरबोन ठीक है डायरेक्टली एयरबोन से ये स्प्रेड हो जाएगा देन बी ये बी है बी में दिखा रहा है कैरेड इन एयर विद ड्रॉपलेट्स ठीक है ड्रॉपलेट्स के साथ ये एयर में कैरी हो जाएगा और ट्रांसमिट हो जाएगा देन सी में देखेंगे एयरबोर्न वाया हैंड्स हैंड के कॉन्टेक्ट के थ्रू ये एयरबोर्न डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा देन uh, कुछ बेसलाई और वायरस जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइंग फॉर्म में यहाँ पर ये uh, लाई कर रहे हैं और ई वाला फॉर्म यहाँ पे देखेंगे ये जब हवा उड़ेगी ठीक है हवा चलेगी डस्ट उड़ेगी उसके साथ में ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर जा सकता है ठीक है और बीमारी कॉज कर सकता है यहाँ पे आप देखते बी ये दिस इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो ये यहां से अगर इसने कॉफ किया तो यहाँ यहां से जाएगा और इट विल ट्रांसफर टू हर राइट सो दिस इज हाउ यहाँ पे एरो दिया हुआ है जिसके थ्रू ये अलग अलग तरीके से ये ट्रांसमिशन हो सकता है इन दोनों के बीच में राइट